एवरीवन, दिस इज करण, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोगों ने पूरा दिन घर पे बस रेस्ट किया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब। तो आज हम लोग पूरा दिन घर पे ही थे, तो एक दो काम भी थे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग गए हमारे ऑफिस, वहाँ पे गाड़ी लोड करवानी थी, तो वहाँ पे गाड़ी लोड करवाई और गाड़ी को भेजा। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आए, रेस्ट किया, खाना वाना खाया, आलू वाले परोठे। आलू वाले परोठे खाए, बाद हमने खाई मैगी और मैक्रोनी मिक्स करके। तो उसके बाद हम लोग नहाए धोए, रेस्ट किया थोड़ा सा। तो अभी तैयार हो के हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब माथा टेकने। तो गुरुद्वारा साहब हम लोग रेगुलर जाते रहते हैं क्योंकि माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है उससे। मतलब एक हफ्ता तो कम से कम माइंड हमारा काम रहता है, रिलैक्स रहता है। तो गुरुद्वारा साहब जाते हैं। सब लोगों को मेडिटेशन करनी चाहिए, जाना चाहिए। आजकल स्ट्रेस भरी लाइफ है, आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है हमारी आजकल, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोगों को क्या क्या हो रहा है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। रेगुलर हमें जिमिंग करनी चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए। ये सब सबसे नहीं हो पाता, मेरे से भी नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, आपको भी लेके चलते हैं। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? बोलो है? बोलो, पता नहीं मुझे। पहले बताओ कहाँ जा रही हो? अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा फील आ रहा है। वैसे भी गुरुद्वारा साहब जब बैठते हैं तो ऐसे एक अच्छी सी वाइब्स आती हैं, थोड़ा अच्छा फील होता है, माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। गुरुद्वारा साहब हमारे लोकल लुधियाना सिटी, जो क्लॉक टावर है थोड़ा सा उसके पास रेलवे स्टेशन, उसके आगे रेलवे स्टेशन आता है, तो रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा आगे ही है, मेन जगराओं बोला है यहाँ पे। तो अभी रात हो गई है गाइस, तो अभी हम माथा टेक के आ गए हैं और प्रसाद ले लिया है। तो अभी हम जाएंगे सीधा लंगर छकने, क्योंकि भूख लगी हुई है, तो लंगर तो छकना है, लंगर छकना बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ पे ये गुरुद्वारा साहब लोकेटेड है। तो नॉर्मली संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि सब लोग शाम को ही ज़्यादातर गुरुद्वारा साहब आते हैं यहाँ पर और सेवा करते हैं।
तो अभी हम लोग आ गए गुरुद्वारा साहब से बाहर, लंगर खा लिया है हमने, अभी जाके रोटी की भूख है नहीं, जाके सीधा लेटना ही है। अभी रास्ते में देखेंगे, अगर कुछ मिला आइसक्रीम वगैरह तो वो खा लेंगे, नहीं तो उसके बाद तो फिर सीधा घर ही जाएंगे। तो गुरुद्वारा साहब का जो लंगर है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी कहीं चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी होटल में चले जाओ, इतना टेस्टी खाना कहीं नहीं आपको मिलेगा। हरिमंदर साहब गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल आप सबको पता है, वहाँ का भी लंगर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो वैसे तो टेस्टी तो मेरे को वैसे वर्ड ये यूज़ ही नहीं करना चाहिए लंगर के लिए, कंपैरिजन तो है ही नहीं किसी के साथ भी। रात का टाइम है, लाइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो वीडियो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। कल मौसम काफ़ी ठंडा था तो आज एकदम से फिर से गर्मी हो गई, तो हमने आते टाइम हमें लगा था कि मौसम अच्छा होगा तो हमने एसी भी नहीं ऑन किया, चले आए हैं ना, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम लग रही है तो अभी एसी ऑन करके बैठे हैं, अभी थोड़ी रिलैक्सेशन फील हो रही है। पहुंचने वाले हैं घर, घर आ गया हमारा नजदीक, तो तब तक के लिए डू व्हाट एवर यू वांट टू डू एंड डोंट ट्रबल एनीवन, डोंट ट्रबल एनीवन। अच्छा तो तब तक के लिए हमारी सारी वीडियोस को, नहीं ये वाली वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर देखा है, अगर आप तक पहुंच गया है। वैसे तो ज़्यादा रीच हो नहीं रही है, लेकिन अगर आप तक पहुंच गई है वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। और एक रिक्वेस्ट और करनी थी कि वीडियो को एंड तक देखना, चाहे चलते चलते छोड़ देना लेकिन देखना ज़रूर, हाँ मतलब चलते चलते छोड़ देना लेकिन चलाना ज़रूर, पूरा प्ले करना वीडियो को, बस यही रिक्वेस्ट करनी थी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Okay, take care, bye-bye.